हेलो एवरीवन, कल यानी कि 4 दिसंबर 2019 को यूजीसी नेट और यू कैन से एनटीए नेट का एग्जामिनेशन हुआ है और हम यहां पर एग्जामिनेशन के बाद जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का जो पेपर है वो किस तरीके का रहा, क्या पेपर डिफिकल्ट था, क्या पेपर इजी था। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि सर पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था इस बार लेकिन काफ़ी लेंदी था, और काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना था कि सर पेपर बहुत डिफिकल्ट था। तो हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग और जो सर के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर की ओवरऑल एनालिसिस पेपर कैसा रहा, वो सभी हम इस चीज़ वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो सर, एज आई सेड, आपने पेपर कल देखा था, आपने पेपर देखा, हमने बच्चों ने बताया पेपर के बाद कि पेपर मींस इजी था बट पेपर थोड़ा लेंथी भी था। इजी उन स्टूडेंट्स के लिए हम कह सकते हैं जिन्होंने एक स्टडी की थी बेस से और अप टू अ लेवल, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट रहेगा जिन्होंने जस्ट बोलते हैं कि हमें सब कुछ इजी मिल जाए। अच्छा, वैसा हम नहीं कह सकते। तो इस बार पेपर काफी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहा लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। ज्यादातर क्वेश्चन जो है आई थिंक थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन से पूछे गए थे। ऐसा ऐसे कौन कौन से पोर्शन से जहां से क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशंस थी लेकिन वहां से क्वेश्चंस नहीं आए? जैसे हम स्टार्ट करें सर कि स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं कुछ परसेंट क्वेश्चन सेम एज इज रिपीट हो। ओके, लेकिन अब की बार 19 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ है एनटीए नेट का, जस्ट वो अपोजिट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था। ओके, स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट किया था कि 18 में और 19 के जून में जो पेपर आया था रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बट कुछ पोर्शन ऐसे थे जो जस्ट अनप्रेडिक्टेबल थे, जिनसे अभी तक लास्ट 16-17 इयर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उस पोर्शंस को भी अब की बार क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। जैसे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट की, अब तक जेनेटिक एल्गोरिथम जो टॉपिक है हमारा उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब की बार उन्होंने जेनेटिक एल्गोरिथम में फिटनेस फंक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ बता रहे हैं बच्चे, दैट्स द न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। और जैसे उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी पार्ट है हमारा, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अब की बार उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू नॉलेज को टेस्ट किया, क्या रियली स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नॉलेज है या वो जस्ट एक क्रैमिंग टाइप में सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि अब की बार जो पेपर था उसमें रियल में एनटीए नेट ने प्रेडिक्ट किया है कि जो लोग पेपर क्वालिफाई करेंगे उनको नॉलेज है, दे आर एबल टू टीच इन द कॉलेज और जस्ट क्रैम द टॉपिक्स एंड जस्ट गो फॉर द एग्जाम, इस टाइप से हम उसको नहीं कह सकते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर वन के साथ। Yes. So, आपकी जो पेपर वन की डिटेल्ड एनालिसिस क्या है पेपर वन की सर? पेपर वन में अगर हम बात करें सर, तो जैसे हमारे 10 यूनिट्स हैं, तो पेपर वन में जैसे टॉपिक की हम बात करें, पहला टॉपिक हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। अब की बार टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा अबव एवरेज थे। ओके, अब तक वो लोग क्वेश्चन पूछते थे जैसे स्टूडेंट ने बताया कि जस्ट फ्रॉम द बेसिक पार्ट्स, टीचिंग कैसी होती है, कैसे टीचिंग एक्सपीरियंस को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब की बार उन्होंने क्वेश्चन को पूछा कि आप अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को अपने जो सिलेबस में टॉपिक्स ऐड हुए हैं इवेल्यूशंस वाले और उनको आप कैसे अप्लाई कर सकते हो ग्राउंड लेवल पे टीचिंग के दौरान। ओके, सेकेंड हम यूनिट की बात करें रिसर्च की, तो अब की बार रिसर्च में उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे, लाइक रिसर्च इथिक्स से क्वेश्चन आए हुए थे, थीसिस राइटिंग से क्वेश्चन थे अब की बार, और हम बात करें रिसर्च के अंदर तो रिसर्च में आपकी बार क्वेश्चन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स एक दो क्वेश्चन कम था। ओके, और उसके रिप्लेसमेंट में टीचिंग एप्टीट्यूड में उन्होंने क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट किया हुआ बताया। ओके, कॉम्प्रिहेंशन थर्ड यूनिट है जो हमारी, उसमें स्टूडेंट ने बताया कि कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इजी, जस्ट यू कैन रीड दैट एंड इजी टू गो फॉर द क्वेश्चंस, लेकिन मेन स्टूडेंट्स ने बताया कि जो प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिली वो था उनका प्लेटफॉर्म जस्ट पे पेसेस दिया गया था। ओके, पेसेस में स्टूडेंट बोल रहे कि हमें लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ता था, क्वेश्चन के लिए हमें अप और डाउन जाना पड़ता था, तो उसमें उनका बहुत टाइम कंज्यूम हुआ है। ओके, मे बी एनटीए को इस चीज पे आगे थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। तो बेसिकली जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट था काफी लेंथी था, लेंथी था, बच्चों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे उसमें टाइम वेस्ट काफी हो रहा था। ओके, और फिर लास्ट जब हम कम्युनिकेशन की बात करें फोर्थ यूनिट की, तो कम्युनिकेशन पार्ट इज वेरी इजी इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ
कम्युनिकेशन की, जैसे हम मैं और आप बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर किस टाइप से टेक्निकल चीजों को अप्लाई कर सकते हैं. और जैसे एक टीचर है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे स्टूडेंट्स को क्लास में यूज कर सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए, इस टाइप से क्वेश्चंस थे, वो कॉमन सेंस पूछे गए थे. और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी. सिंपल उन्होंने सीरीज से क्वेश्चन पूछा हुआ था और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, बिल्कुल वेरी इजी. और हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो एवरी कैन 2 से 3 क्वेश्चन आराम से स्टूडेंट कर सकता था क्योंकि उसको बेसिक नॉलेज थी. फिर हम बात करें नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, तो लॉजिकल रीजनिंग जो पार्ट था वो जस्ट आपको उसके लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत थी. ठीक है, उन्होंने एसर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछे हुए थे. एसर्शन रीजन में मेनली क्वेश्चन 2 टाइप से पूछते हैं एग्जाम में, एक तो कॉमन सेंस में, एक होते हैं टेक्निकल पार्ट का. तो अब की बार उन्होंने जो एसर्शन रीजन क्वेश्चन था वो टेक्निकल नॉलेज में आपको अगर पता है तो ही आप उसको आंसर कर सकते थे. ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग में अब की बार उन्होंने इंडियन लॉजिक जो नया टॉपिक ऐड हुआ है उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए थे जो स्टूडेंट को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना लेवल उसका आ सकता है. और मिनिमल मैक्सिमल से बता रहे थे स्टूडेंट की क्वेश्चन थोड़े थे डिफिकल्ट लेवल में. फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट. डाटा इंटरप्रिटेशन में आई थिंक सभी स्टूडेंट थे वो 5 के 5 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सकते थे. जस्ट नॉर्मल आपको टॉपिक आना चाहिए कि एडिशन कैसे करना है और परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है. मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सभी स्टूडेंट इसमें 5 के 5 क्वेश्चन इजिली स्कोर कर सकते थे, अपने 10 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं. ओके, उसके बाद हमारी यूनिट है 8 यूनिट ICT. ICT पार्ट इज इजी फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट क्योंकि जस्ट उन्होंने सिंपल एब्रिवेशंस पूछी हुई थी बाकी स्टूडेंट्स के लिए, बट जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे उनके लिए ICT पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था. ओके, लर्न एनवायरनमेंट में वो पोर्शन हमारा थोड़ा डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए. अगर स्टूडेंट ने करंट अफेयर को नहीं जज किया हुआ था और कैसे एनवायरनमेंट के साथ हमें रहना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन था, दैट इज डिफिकल्ट पोर्शन. और लास्ट यूनिट की हम बात करें हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन में उन्होंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे जो हमारी लेटेस्ट में हम स्कीम्स आई हैं जैसे स्वयं है, स्वयं से क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट्स की, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था. और हायर एजुकेशन हमारा है वो कोई भी एजुकेशन के लिए स्कीम लेके आता है वो किस लिए लेके आता है, उसका मोटो क्या होता है, इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, तो ओवरऑल अगर हम रेटिंग करें पेपर 1 की तो पेपर जो था वो एवरेज हम बोल सकते हैं कुछ पोर्शंस के बेस पे, अगर स्टूडेंट्स ने उसको अच्छे से स्टडी नहीं किया हुआ था और कॉमन सेंस पार्ट में वो नहीं कंसंट्रेट कर पाए थे. ओके, तो ओवरऑल काफी बच्चों ने मुझे बोला कि सर जो पेपर 1 है उसके अंदर ही हमें 140 मिनट्स के आसपास लग गया था. तो लेकिन हमारा जो ओवरऑल टाइम है पूरे पेपर का 3 घंटे का होता है और 3 घंटे में से आपको 2 घंटे पेपर 2 में लगाने हैं, 1 घंटा पेपर 1 पे लगा सकते हैं एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग. लेकिन पेपर 1 में ही बच्चों ने बोला कि उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो क्या सच में ऐसा था कि पेपर 1 बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था? हम ये कह सकते हैं सर कि जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी काफी स्टूडेंट को सजेस्ट किया है कि किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. जैसे कुछ स्टूडेंट थे वो पेपर 1 में काफी टाइम कंज्यूम करके आए बता रहे हैं, उनको पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं लेकिन वो बता रहे हैं कि हमारे 60+ मिनट्स उसी में वेस्ट हो गए. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो पैसेज था वो लेंथी था, डाटा इंटरप्रिटेशन था वो इजी था बट टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस काफी थी, तो इसलिए उनको एक्सपेक्टेशन थी कि हम 1 आवर में 1 आवर 15 मिनट में कवर कर सकते थे लेकिन वो नहीं हो पाया स्टूडेंट से. हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे उनका काफी टाइम वेस्ट हुआ है. तो अगर मैं दोनों पेपर्स को चेक करता हूँ जैसे पेपर 1 और पेपर 2 के इस बार अगर हम चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए क्या बेस्ट था, क्या वो पहले पेपर 2 को अटेम्प्ट करते फिर पेपर 1 को या फिर पहले पेपर 1 को अटेम्प्ट करें फिर पेपर 2 को? देखिए हम एक यहाँ पे कॉमन पॉइंट की बात करें, जैसे मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट, तो स्टूडेंट्स को जनरली अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करनी चाहिए. अगर उनका पेपर 1 पे अच्छा कंसंट्रेशन है, ज़्यादा अच्छी उनकी नॉलेज है तो वो पेपर 1 को पहले स्टार्ट कर सकते हैं. okay. जिन स्टूडेंट्स का टेक्निकल सेक्शन बहुत अच्छा था अगर वो पेपर 2 से स्टार्टिंग करते तो वो अच्छा स्कोर कर सकते थे, उनके पास एक बहुत अच्छा चांस था अब की बार दिसंबर में कि वो अबो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्कोर कर सकते थे.
इस बार पेपर टू में बच्चों ने बताया कि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन से पूछे गए हैं। तो और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी मुझे मिला है कि जो भी हमने क्लासरूम में कवर किया, फिर जो भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो पेपर टू के थ्योरी ऑफ कंपटीशन के कराए थे पब्लिकली, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो सभी पूरा का पूरा जो थ्योरी ऑफ कंपटीशन का पोर्शन है सिर्फ उसी के अंदर से आया है, कुछ भी बाहर से नहीं आया। तो आपका जो ओवरऑल एक फीडबैक है अबाउट पेपर टू के हर एक यूनिट के बारे में डिटेल आपने एक एनालिसिस भी किया है, तो ओवरऑल फीडबैक आपका क्या रहा पूरे पेपर टू के बारे में? देखिए जैसा ही हम बात करें सर, हम अपने कोर्सेज की वीडियोस में स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप लोग प्लीज बेसिक पार्ट को कवर कीजिए। आपकी बार का जो पेपर था वो बिल्कुल बेसिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हम बात करें हमारी फर्स्ट यूनिट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, स्टूडेंट से जस्ट फॉर्मूला क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को कैसे फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो, ओनली बेसिक पार्ट। जैसे हम फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, उन्होंने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ बता रहे हैं कि आपको जस्ट आपने मिनिमाइजेशन की जो हमारी टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करनी है और आपको विद इन 20 सेकेंड्स आंसर मिल रहा है। तो पेपर वन जो था हमारा वो डिफिकल्ट पोर्शन हम कह सकते थे, लेकिन पेपर टू जो कल की शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का था वो इतना इजी था कि स्टूडेंट उसके अंदर 140 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते थे अगर बेसिक नॉलेज है। मेरे पास एक दो बच्चों के रिव्यूज आए कल सबसे पहले, तो सबसे पहले मेरे पास एक स्टूडेंट है लक्ष्मी, उसका रिव्यू आया एंड शी सेड कि पेपर बहुत आसान था, आउट ऑफ 100 शी वाज एबल टू सॉल्व 80 क्वेश्चंस, लेकिन लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस है उसके इसलिए छूट गए बिकॉज टाइम की कमी रही, मतलब उसका कि पेपर बहुत लेंथी है। और एक और स्टूडेंट का मेरे पास कल कॉल आया, उन्होंने मुझे बोला कि सर पेपर डिफिकल्ट था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं कर पाए, उनको लगा कि हमें कम से कम 7 से 8 महीने की प्रिपरेशन चाहिए। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि पेपर आपका बहुत लेंथी था या बहुत टेक्निकल था, एक ओवरऑल बैलेंस पेपर था जिसमें लेंथी और टेक्निकल क्वेश्चन दोनों एक तरीके से कवर किए गए थे? जैसे हम इस ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए अगर हम अब की बार जब से NTA NET ने एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट किया है, उन्होंने जस्ट एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स जस्ट पैटर्न को भी चेंज कर दिया है और स्टूडेंट्स के क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन को भी चेंज कर दिया है। हम कह सकते हैं कि वो लोग एक बाउंडेड सिलेबस से बाहर आ रहे हैं। जैसे अब की बार उन्होंने, मैं कहना चाहूंगा 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए थे जो प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने उन टॉपिक्स को कभी टच ही नहीं किया हुआ था। तो उन 20 क्वेश्चंस में स्टूडेंट को रियल में डिफिकल्टी हुई होगी जो लोग प्रीवियस ईयर कंपैरिजन लेके प्रिपरेशन कर रहे थे। और NTA NET एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके ओवरऑल हम बात करें 23 सब्जेक्ट्स तो ओनली फॉर पेपर टू हैं, और 10 जो यूनिट रहती हैं हमारी पेपर वन की उनको भी अगर हम डिवाइड करें पोर्शंस में तो नियरली 14-16 सब्जेक्ट्स में वो डिवाइड होती है। ओवरऑल स्टूडेंट को 35 प्लस सब्जेक्ट्स में जाना पड़ता है। तो इसके लिए उसको अगर अपना स्कोर करना है रियल में और वो JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिनिमम 5-6 मंथ्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट? तब जाके आप एक कॉन्फिडेंस एग्जाम में बोल सकते हो यस आई विल क्वालिफाई NTA NET एग्जाम। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि आई फील कि जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी टीचिंग की है उनके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी टीचिंग में आप काफी चीजें ऐसी हैं जो आप स्टूडेंट्स के डाउट से सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो मैं तो एक थिंग आई कैन सजेस्ट पीपल की जो NTA NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरेलली स्टार्ट टीचिंग समवेयर, आप चाहे तो बीटेक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप चाहे किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, आप सीखेंगे, यू कैन अर्न एट द सेम टाइम, राइट? तो आई थिंक व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट? देखिए सर, आपने जो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट रखा कि आप NTA NET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, राइट? और वो प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, राइट? आप उसको के लिए अपना खुद का प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकते हो, स्टूडेंट्स को जैसे आपने बताया बीटेक वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? या आप कहीं कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, राइट? NTA NET एग्जाम हमारा ऐसा है जिसमें हम लोग डाउट्स क्लियर किए बगैर एग्जाम में नहीं बैठ सकते, करेक्ट? और डाउट्स तब क्लियर होते हैं जब हमारे पास जो डाउट्स हैं उनसे ज्यादा डाउट हमारे को देखने को मिले, करेक्ट? तो इसलिए अगर आपको NTA NET करना है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी। प्रैक्टिस मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आप दो वे से कर सकते हो, एक उसी चीज को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके आप टीचिंग करके कर सकते हो, एक उसी को आप प्रैक्टिस कर सकते हो गो थ्रू द
प्रैक्टिस सेशंस, राइट। प्रैक्टिस सेशंस जैसे हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट रखते हैं, हम लोग अपने टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं, राइट। स्टूडेंट्स के डाउट क्लियरेशन सेशन रह सकते हैं, राइट। तो उसमें स्टूडेंट डाउट लेके आते हैं जो हमारे पास, वो रियल में हमें लगता है कि हाँ कि बच्चों को इस प्लेटफॉर्म को जरूर चूज करना चाहिए। जैसे हम लोग डिफरेंट टेस्ट सीरीज निकालते हैं एग्जाम्स के लिए, तो स्टूडेंट जब तक टेस्ट सीरीज नहीं करेगा, राइट, वो नहीं कॉन्फिडेंस लेवल में आ सकता कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, राइट। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना इज अ इजी टास्क, करेक्ट, बट अपनी नॉलेज को उसमें जाके टेस्ट करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। वेरी गुड, राइट। तो सर जो ओवरऑल एनालिसिस है, जो पेपर टू था उसमें आपके पास 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट्स में किस किस टॉपिक में, किस किस मतलब किस किस सब्जेक्ट में, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, आप एक ओवरऑल एनालिसिस आप दे सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे ओवरऑल एनालिसिस की बात करें सर 10 यूनिट्स के अंदर, तो हमारी जैसे सबसे पहले यूनिट है That is discrete mathematics. Right. Discrete mathematics में अब की बार उन्होंने as compared to previous years बहुत ही easy portion पूछा हुआ है. Okay. जैसे proportional logic first unit की first chapter की बात करें, तो उन्होंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे हुए थे, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला या जो हम उसको कह सकते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। ओके। फिर उसके बाद हम ग्राफ थ्योरी की बात करें, ग्राफ थ्योरी आपकी इजी पोर्शन था जिन स्टूडेंट्स को बेसिक ग्राफ प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करें ग्रुप थ्योरी पोर्शन की, ग्रुप थ्योरी पोर्शन इज वेरी वेरी इजी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बहुत इजी पोर्शन था आपका। और फिर प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा बता रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी फ्रॉम एक बेसिक फॉर्मूला आपको लगाना है, right. और आपको आंसर फाइंड आउट कर देना, right. तो मुझे तो ऐसा फील होता है जो अगर आप यूजीसी नेट के लिए एंट्री नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पूरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आप 11th और 12th क्लास की बुक्स को पढ़े, yes, उसको सॉल्व करें, तो आपकी प्रॉपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्रिपेयर हो जाती है। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हम बात करें, तो उन्होंने एक 11th क्लास का बच्चा भी उस क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर सकता था, राइट, ठीक है। मतलब और यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को, मैंने अपनी क्लासेस में अपने सेशंस में देखा है, स्टूडेंट डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, करेक्ट करेक्ट, उन्हें यही नहीं पता होता कि हमें इस क्वेश्चन में परमुटेशन अप्लाई करना है या इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है। I've seen people who are doing PhDs and they still do not know what is the difference between permutation and combination. So basic mathematics तो होना ही चाहिए, मतलब आप किसी भी एग्जामिनेशन को बिना बेसिक मैथमेटिक्स से क्लियर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे आप गेट की प्रिपरेशन करें, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें, सबसे पहला जो पोर्शन आपको कवर करना है वो है आपकी बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स में वीक है, ऑब्वियसली आप सभी सब्जेक्ट में वीक होंगे, तो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स पर ही ध्यान दें। और जिसका मैथमेटिक्स वीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 10th 11th और 12th क्लास की बुक्स को सबसे पहले सॉल्व करें, 10th 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी, फिर आप एडिशन में सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप जो एडवांस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है, जैसे केनेथ एच रॉसम के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, आप उसको उठाएंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रिपरेशन होगी उस चीज से। ओके, सो सेकंड यूनिट सर, जैसे सेकंड यूनिट की हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड यूनिट हमारी कॉम्बिनेशन है 3 सब्जेक्ट्स का, राइट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड हमारा माइक्रोप्रोसेसर पार्ट। उन्होंने अब की बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल्कुल बेसिक मिनिमाइजेशन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, स्टूडेंट ने बताया कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मिनिमाइजेशन में हमें ये बताना था कि हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कौन से वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। ओके, और मैं मानता हूँ कि ये हमारा बेसिक पहला स्टेप होता है मिनिमाइजेशन का, राइट, वहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उन्होंने नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि वो क्वेश्चन, वो मैंने पिछले 11 से 12 साल के पेपर में देखा है, right. वो क्वेश्चन हर साल आता है, स्पीड अप, स्पीड मींस नंबर सिस्टम फाइंड आउट करना, okay. कि okay. आपके दो नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं, राइट, और उसमें उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट करनी, बी की वैल्यू क्या होगी। सो नंबर सिस्टम टॉपिक भी लगभग 1 घंटे का टॉपिक है, अगर बच्चा 1 घंटा से 1.5 घंटा उस टॉपिक को पढ़े, सारा टॉपिक कवर हो जाता है, और हर साल उससे क्वेश्चंस आता ही आता है, गारंटीड पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस आएगा। मींस मैं कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट को नॉर्मली 5 मिनट में प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने 14 से 19 का हमने एनालिसिस किया था हमारी वीडियोस में, तो हमने देखा कि वो क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट में और हर साल देखने को मिला, राइट राइट। तो वो दो नंबर तो आप श्योरली हर स्टूडेंट को करना चाहिए, बिल्कुल। और नेक्स्ट हम बात करें फिर उसके अंदर काउंटर्स टॉपिक था, बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ था वहाँ पे, आपको सिंपल बताना था कि आपके डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं, करेक्ट।
फिर बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट भी कहते हैं, काफी डिफिकल्ट बच्चों को काफी डिफिकल्ट भी लगता है। लेकिन इस बार हम इस शिफ्ट में अगर देखें तो जिन स्टूडेंट ने सिर्फ डेफिनेशंस भी की हुई थी वो उन क्वेश्चंस को इजीली करके आ सकते थे, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया था जो 30 सेकंड से ज्यादा ले सकता था। तो जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है काफी बच्चे जो है उसको जो गेट के एग्जाम भी देते हैं, तो एक चीज आप याद रखिए जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मेथड और सिलेबस कॉन्टेंट वो काफी अलग होता है, और अगर आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका मेथड स्ट्रेटजी और कॉन्टेंट काफी अलग होता है। जैसे कि यूजीसी नेट के पोर्शन के लिए काफी थ्योरिकल पोर्शन है जो आपको प्रिपेयर करना होता है, न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम रहते हैं लेकिन ऑब्वियसली न्यूमेरिकल रहते हैं, लेकिन गेट इज मोर न्यूमेरिकल इंटेंसिव, गेट के अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं और वहां पर जो न्यूमेरिकल्स आएंगे काफी इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो जो बच्चे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, जो कंटेंट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू गेट, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रिपेयर करना होगा, राइट। और हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है सेकंड यूनिट में माइक्रो प्रोसेसर, दैट पार्ट इज डिफिकल्ट दिस टाइम, क्योंकि अब की बार उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा हुआ है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है सर वो 8085 से क्वेश्चंस आए थे, 8086 से क्वेश्चंस आए थे। सर क्वेश्चन जो था हमारा वो जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड पे था, असेंबली लैंग्वेज में उन्होंने पूछा हुआ था, बता रहे हैं स्टूडेंट कि AL की वैल्यू क्या होगी हमारी जब हम उसको एक सीक्वेंस ऑफ दिया हुआ था उन्होंने इंस्ट्रक्शंस का, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो क्वेश्चन हमारा रियल में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके लिए हमें एटलीस्ट 3-4 मिनट लगते, तो स्टूडेंट उसको बोल सकते हैं That is time consuming as well as difficult portion. तो इस बार ऐसा था कि YouTube पर मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस as well as some expected questions from microprocessor. तो जब मैंने वीडियो पब्लिश किया YouTube पर बिफोर एग्जामिनेशन तो काफी छोटा सा कमेंट आया था कि सर microprocessor तो सिलेबस में नहीं है, इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन में microprocessor के क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए जो वीडियोस हम YouTube पर पब्लिश करते हैं आप उसको काफी सब कुछ जो है सब जो प्रॉपर कॉन्टेंट है प्रॉपर हमने जो बनाया है बहुत ही एनालिसिस के बाद और बहुत प्रॉपर तरीके से कॉन्टेंट बनाया गया है, हम किसी भी कंटेंट को विदाउट रिसर्च के हम कोई भी कंटेंट नहीं बनाते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हर एक पोर्शन काफी इनडेप्थ तरीके से कवर होता है, प्लस उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में कवर किया गया है, तो अगर कोई पोर्शन हम कवर करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, कोई पोर्शन अगर लीव करते हैं यानी कि छोड़ते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं पूरे सिलेबस में जो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको छोड़ देते हैं, तो काफी बच्चे बोलते हैं सर ये पोर्शन तो आपके एग्जामिनेशन ये तो हमारे सिलेबस में है लेकिन आपने कवर नहीं किया, तो ऐसे पोर्शन कुछ ऐसे हैं जो हमने जानबूझ के कवर नहीं किए, वो इस वजह से नहीं किए क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस काफी कम नहीं आता है, राइट। जैसे आपका थ्योरी ऑफ कंपटीशन में डिसाइडेबिलिटी एक टॉपिक है, तो डिसाइडेबिलिटी काउंटेबिलिटी ये टॉपिक गेट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूजीसी नेट में लास्ट 2 examination या 3 examination से ही इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तो इसी वजह से इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस बार हमने कवर किया था, बट अदरवाइज काफी बच्चे हैं जो इसको छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी कम है। इस पे तो मैं कहना चाहूंगा डिसाइडेबिलिटी टॉपिक पे वन स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सीड शॉट एज इट इज प्रीवियस ईयर जो 19 जून में क्वेश्चन था वही क्वेश्चन उन्होंने फिर से रिपीट किया हुआ था डिसाइडेबिलिटी का। अगर आपने 19 जून का पेपर एनालिसिस हमारा देखा होता तो आपके 2 marks तो वैसे ही हो जाते हैं। तो काफी जो क्वेश्चंस हैं मतलब जो यूजीसी नेट में इसमें पर उन्होंने डिसाइडेबिलिटी टॉपिक को काफी एक्सप्लोर नहीं किया है। देखो गेट के केस में ऐसा होता है कि गेट के अंदर डिसाइडेबिलिटी टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इन डेप्थ क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में ऐसा नहीं है। यूजीसी नेट के लिए डिसाइडेबिलिटी टॉपिक स्टिल अभी भी न्यू है और उसमें जो अगर क्वेश्चंस आएंगे भी थी काफी इजी क्वेश्चंस आएंगे एज ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 2-3 years और काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 1/2 hour से 1 hour चाहिए अगर आप क्लासरूम में 1 hour बैठते हैं डिसाइडेबिलिटी टॉपिक के लिए, तो यूजीसी नेट के लिए पोर्शन के लिए काफी जहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा और बट क्वेश्चन इजी था थोड़ा लेंथी था, तो सी तो एक्चुअली मेरा भी सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और मैं सी लैंग्वेज का काफी इनडेप्थ पढ़ाता हूं, तो मेरे बच्चों को तो कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती सी लैंग्वेज, कह सकते हैं कि वहां पे स्टूडेंट ने हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने 100% सॉल्व किया होगा, राइट। और फिर HTML से इतना बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं स्टूडेंट्स की, उन्होंने जस्ट पूछा था TR को हम किस लिए यूज करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट हम कैसे कर सकते हैं, या ए जो टैग लगाते हैं हम वो किस लिए यूज करते हैं, इतना बेसिक पार्ट उन्होंने कवर किया हुआ था आपकी बार HTML के अंदर।
ओके, तो इजी एक स्टूडेंट है, उसने अगर कभी एचटीएमएल प्रीवियस अपने पास में भी स्टडी किया होगा तो वो दो मार्क्स स्कोर कर सकता है, राइट। फिर उन्होंने सीजी पोर्शन, सीजी पोर्शन में एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर जस्ट उन्होंने डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लिपिंग एल्गोरिथम में हम कौन कौन से एल्गोरिथम स्टडी करते हैं, जस्ट नाम उन्होंने पूछा हुआ है, करेक्ट। फिर प्रोजेक्शन में उन्होंने इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे मैंने अपनी क्लास में एक दिन समरी में मैंने एक चार्ट बनवाया था स्टूडेंट को, अगर उन्हें वो चार्ट भी अगर पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आई थिंक 8 मार्क्स उनके शॉर्ट थे। इवन आपका मैंने बताया, बच्चों मुझे बताया भी कल कि आपके जो लास्ट दो दिन की जो क्लासेस हुई थी, तो लाइव क्लासेस जो लास्ट दो दिन की थी, उसी में से लगभग बच्चों का 10 मार्क्स का जो पेपर था वो सिर्फ उसी में से आया था। आपने सही कहा, जैसे लास्ट मैंने 1 दिसंबर को जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास ली थी, राइट, तो मैंने उसमें एक एग्जाम्पल करवाया हुआ था टेस्टिंग पार्ट से, राइट। तो एक स्टूडेंट ने बताया कि सर कि हम शॉक हो गए, ये क्वेश्चन आ कैसे गया, तो जस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, और उसने बोला कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन वो भी हम 2 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 में, लेकिन 10 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क्स के अंदर सिंपली, अगर उसने बताया कि सर मुझे डायरेक्टली आंसर याद थे, मैंने 1 मिनट के अंदर 10 मार्क्स अपने स्कोर कर लिए थे, राइट। और तो जिस बच्चे ने तैयारी की है प्रॉपर ने उसके लिए पेपर इजी था, पेपर बहुत इजी बहुत इजी था, और जिसने तैयारी नहीं की है तो उसके लिए उसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, यस। तो मैं आपको एक बहुत ही एग्जांपल, एक इजी एग्जांपल दूं, देखो पेपर में क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, बल्कि क्वेश्चंस को में दिए गए ऑप्शंस होते हैं जो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और मैं आपको बोलता हूं ऑप्शन नंबर ए 32,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1000 मीटर्स, राइट। तो इसमें अगर आप चेक करेंगे तो बिकॉज क्लियरली हमें पता है कि इट्स वेरी फार डिस्टेंस, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही आसान ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो इसमें आप इजीली आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो, ऑप्शन नंबर ए 32,482 किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,492 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 32,497 किलोमीटर, अगर इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हो तो ऑप्शन में ही बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिकली काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर जो ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। ओके तो एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताया एग्जाम के बाद कि सर आपने एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन करवाया हुआ था वो क्वेश्चन हमारा 12 मार्क्स में आया हुआ है। सी सेट की आपने जो टॉपिक्स उसके अंदर बताए, हिडन एट्रीब्यूट जो हमने टेक्निक बताई थी कैंडिडेट की निकालने की, जस्ट वो बोले कि हमने 20 सेकंड में उसको निकाला और 2 मार्क्स स्कोर किए, और उसी की कैंडिडेट की निकालने के बाद उसी को अप्लाई करके उन्होंने 5 क्वेश्चन और सोल्व करने थे, राइट। और उन क्वेश्चन में सिर्फ चेक करना क्या था, अब की बार नॉर्मलाइजेशन टॉपिक में उन्होंने बेसिक स्टूडेंट का जानने की कोशिश की कि आप कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप नॉर्मल फॉर्म्स को कैसे चेक कर सकते हैं, आप डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तीनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके उन्होंने 12 मार्क्स में पूछा था, और मैंने अपने एक लेक्चर में एक एग्जाम्पल लेके इन तीनों टॉपिक को कवर किया हुआ था, और उसने बताया कि सर वही एग्जाम्पल उन्होंने और वही 6 के 6 क्वेश्चन एक लेक्चर से उन्होंने लगभग 20 मिनट का वो लेक्चर था और 12 नंबर में आया हुआ था। क्या बात है, तो मतलब बहुत ही उसने सी वो एक बहुत ही स्टूडेंट एक्साइटेड थे उस टाइम जब फोन पे बात हो रही थी कि सर आपने जो पढ़ाया है लेक्चर में वो क्वेश्चन हमें देखने को मिले, मींस 5 से 6 मिनट में हमने 40 से 45 नंबर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के स्कोर इजी कर लिया था। तो जब एग्जाम फिनिश हुआ तो मेरे पास लगभग शाम को 5 बजे तक मेरे पास लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स का कॉल आया था। आपके पास कितने स्टूडेंट्स का कॉल आया सर? सर मैंने आप मेरे पास एक स्टूडेंट थी अभी लास्ट टाइम तक, उसके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे तो उसके कॉल आए, उसने लेकिन एग्जाम के जस्ट बाद उसका कॉल आया मेरे पास हाफ एन आवर के बाद, तो वो एक्साइटेड थे कि सर मेरा आपकी बार क्वालिफाई है JRF और मैंने इजिली मार्क्स को स्कोर किया है आपके लेक्चर से। तो मैम मेरे को बहुत खुशी हुई कि हम जो पढ़ाते हैं लाइव क्लासेस के अंदर वो एग्जाम में आ रहा है, हमारी प्रेडिक्टेशंस जो है वो काफी हम नॉट 100% हम कह सकते हैं प्लस 75-80% वो करेक्ट जा रहे हैं। मेरे भी क्लास में जैसे बच्चे जो आए थे तो मेरे पास 4 से 5 बच्चों का कॉल आया था कि उनका JRF इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा कंफ्यूज थे कि JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच में, क्योंकि उनको लगता था असिस्टेंट प्रोफेसर इजीली हो जाएगा लेकिन JRF में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, राइट।
सर व्हाट अबाउट योर फिफ्थ यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इस बार तो आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कवर किया था. हाँ. तो लास्ट टाइम लास्ट सेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम नवीन सर ने कवर किया था, इस बार ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कवर किया था. तो लगभग जो मेरे पास रिव्यूज आए हैं स्टूडेंट्स के, तो वो सभी पॉजिटिव रिव्यूज हैं. कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने बोला कि सर जो आपने कोई टॉपिक कराया उससे बाहर क्वेश्चन आया हो. जितने भी टॉपिक हमने क्लास में कवर किए, लाइव क्लास में, वीडियो लेक्चर्स में, सभी के सभी क्वेश्चन वहीं से ही आपके पास आए हैं. तो इस बार कुछ सब्जेक्ट थे जो मैंने कवर किए थे, जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इस बार मैंने कवर किया था, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स मैंने कवर किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कवर किया था, और सी प्रोग्रामिंग इज माय टॉपिक, डिजिटल लॉजिक भी मैंने ही कवर किया था इस बार, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैम ने कवर किया था, और नवीन सर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स इस बार हमने इस तरीके के सब्जेक्ट को कवर किया था. तो बेसिकली क्या होता है कि हम हर सेशन में वी शफल द सब्जेक्ट. लास्ट ईयर इसमें से काफ़ी सब्जेक्ट है नवीन सर ने कवर किए थे क्लासेस के अंदर, तो थोड़ा सा बस शफलिंग इस बार भी हुआ था और इस बार भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करेंगे. तो सर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए थे और क्या उनका लेवल था, डिफिकल्ट थे, इजी थे, किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आपके पास आए? सर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, मेनली मैं स्टूडेंट्स को इस वीडियो में एक सजेशन भी देना चाहूंगा. स्टूडेंट्स है ना काफी डीप में चले जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हुए, लेकिन आपका कोई भी एग्जाम हो, नेट है, गेट है या इसरो है, वहां पे क्वेश्चन वो लोग चेक करते हैं ऑन द बेसिक पार्ट्स. राइट. राउंड रोबिन से की बार क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें उन्होंने बताया, एक स्टूडेंट ने जिससे मेरी बात हुई थी, कि सर उन्होंने पूछा हुआ था टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम पूछा हुआ है, जो हम अपने पहले टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं. राइट. बहुत इजी क्वेश्चन था. फिर डेडलॉक से उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है आपकी बार एग्जाम में, आपका बैंकर एल्गोरिथम को अप्लाई करके. राइट. और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, उसमें चेक करना था आपको कि सीक्वेंस क्या होगी सेफ स्टेट की. फिर थर्ड हमारा टीएलबी मेमोरी पार्ट से क्वेश्चन था, और टीएलबी मेमोरी पार्ट में हम जो पहला फॉर्मूला स्टूडेंट्स को करवाते हैं कि आप मेमोरी के अंदर एक्सेस कैसे करेंगे और टीएलबी का कैसे यूज करना है, उससे उन्होंने इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर देना है. सर क्या इस बार कोई क्वेश्चन लाइनेक्स से यूनिक्स से कोई क्वेश्चन आया था? सर लाइनेक्स यूनिक्स से क्वेश्चन हम नहीं कह सकते इतना पोर्शन, लेकिन एडवांस जो ओएस था उनका, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे थोड़े ट्रिकी टाइप के. ट्रिकी टाइप पे हम कह सकते हैं कि आप वर्चुअल मशीन्स को कैसे यूज करते हो. हम हमारा जो लाइनेक्स है, लाइनेक्स में हम किस टाइप की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करते हैं या राउंड रोबिन शेड्यूलिंग यूज करते हैं. एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो हमारी कमांड्स पूछते थे, लेकिन अब की बार उन्होंने हमारे एडवांस डीबी में ओएस जो पार्ट है लाइनेक्स यूनिक्स वर्चुअल मशीन्स, उससे उन्होंने वर्किंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था. ओके. जो स्टूडेंट अपने कॉमन नॉलेज से अगर वो प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं तो इजीली आंसर कर सकते थे. ठीक है. और सर व्हाट अबाउट यूनिट नंबर 6? सर हमारी यूनिट नंबर 6 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन सब की बार आए हुए थे. बेसिक हमारी फैसिलिटीज क्या होती हैं, हमारा सॉफ्टवेयर है वो कैसे अडेप्टेबल होता है, ये क्वेश्चन अब की बार पूछे गए थे. सॉफ्टवेयर डिजाइन हम कैसे अप्लाई करते हैं, जो बेसिक टर्म्स थी हमारी, वहां से क्वेश्चन उन्होंने अब की बार पूछा हुआ था. और जैसे टेस्टिंग पार्ट है, मैं अपने सभी लेक्चर्स में स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्टिंग काफी ज्यादा इजी भी है, मतलब इज अ कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉमनली थ्योरेटिकल पोर्शन. राइट. तो और टेस्टिंग चैप्टर को उन्होंने अब की बार 10 मार्क्स में पूछा हुआ था. ओके. जहां से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां से 5 क्वेश्चन अब की बार उन्होंने पूछे हुए थे. और जैसे मैंने बताया कि मेरे लास्ट लेक्चर में जो हमने एग्जांपल किया था वो एसटी स्टूडेंट को देखने को मिला. ओके. सो व्हाट अबाउट यूनिट 7 व्हिच इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स? डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में आप बहुत जी पोर्शन बताया बच्चों ने. डेटा स्ट्रक्चर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आप ट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हो. okay. आपका स्टैक क्यू पार्ट है वो कैसे कवर होता है. बिल्कुल बेसिक बेसिक जो हमारे फॉर्मूला है, ट्रिक्स जो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, वो ट्रिक्स वहां पे अप्लाई करनी थी और आपको सिंपली आपका आंसर देना था. हालांकि मैंने पेपर नहीं देखा है, बट मुझे काफी बच्चों ने बताया कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस काफी कम आए थे. यस. और थ्योरी ऑफ कंपटीशन से क्वेश्चंस उन्होंने ज्यादा पूछे थे. तो क्या सच में ऐसा है कि जो आई थिंक हर एक यूनिट का एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि हर एक यूनिट आपके 20 मार्क्स की आएगी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में 20 मार्क्स से कम क्वेश्चंस पूछे गए थे? सर अगर हम बात करें तो एनटीए ने जो हमें एक फॉर्मेट दे रखा है
कि आपको हर एक से 10 क्वेश्चन पूछने हैं, right. लेकिन वो नहीं उस पैटर्न को फॉलो करते हैं. okay. वो क्वेश्चंस को अब थोड़ा कर देते हैं कि इससे पोर्शन से 2 क्वेश्चन कम है, उनको वहां पे बढ़ा दिया है. okay. कई बार स्टूडेंट्स को इस चीज का फायदा भी होता है और लॉस भी होता है. जैसे अगर किसी टीओसी अच्छे से पढ़ा होगा, yes. तो आसान से सॉल्व कर सकता है. अगर आपकी बात टीओसी किस और कंपाइलर डिजाइन जिसने अच्छे से पढ़ा था, वो इजिली 25-26 मार्क्स तक जा सकता था. और डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम जो पार्ट है स्टूडेंट्स को काफी टफ लगता है उनके लिए. हालांकि पोर्शन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी पोर्शन है. yes. इसमें कोई ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा. इट्स मोर लाइक मैथमेटिक्स. प्रैक्टिस किया है तो आप इजीली आपने प्रैक्टिस किया है तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो. राइट. जैसे एल्गोरिथम पार्ट की हम बात करें, स्टूडेंट को क्रिस्क्विल और प्रिज्म एल्गोरिथम 100% कवर करना चाहिए. okay. और सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप इस ग्राफ को देख के क्रिस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करके कैसे टोटल वेट फाइंड आउट कर सकते थे. इतना इजी क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा कभी. okay. So, इस बार शायद डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्किंग से भी काफी कम क्वेश्चन पूछे. हाँ, डिजिटल कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से काफी कम क्वेश्चन थे और क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे गए थे. नेटवर्किंग पार्ट में तो मैंने अपने नेटवर्क सिक्योरिटी में पहला टॉपिक में जो कवर करवाता हूँ, CIA हम उसको एक एब्रिविएशन देते, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था. okay. कि कॉन्फिडेंसिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन क्या होता है. okay. तो इतना बेसिक क्वेश्चन आई थिंक नेटवर्क सिक्योरिटी पार्ट से टच करना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे जो उन्होंने किया है. करेक्ट. और सर इस बार कोई ऐसा पोर्शन है जहां से एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आ गए हैं? जैसे आपने मुझे बताया कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में जेनेटिक एल्गोरिथम से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो ऐसा कोई ऐसा पोर्शन था जहां से एक्सपेक्टेड था कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए? जैसे हम 10th यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स का हम पैटर्न देखें क्वेश्चंस का, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन सर्चिंग पार्ट से पूछते थे. ओके. जहां सर्चिंग यूनिट जो हमारी वो अकेली 8-10 मार्क्स को कवर करती थी. ओके. लेकिन अब की बार जस्ट उसका उल्टा हुआ एग्जाम में, जस्ट अपोजिट था. ओके. कि जो क्वेश्चन पार्ट से वो पूछते थे उसको उन्होंने स्किप किया हुआ है. ओके. और जिस पार्ट से वो क्वेश्चन नहीं पूछते थे उस पार्ट पे उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेशन की. okay. थी. okay. तो ओवरऑल अगर हम पेपर 2 का एक कंक्लूजन निकालें तो पेपर 2 थोड़ा एवरेज हम उसको रेटिंग दे सकते हैं. नॉट डिफिकल्ट, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक पार्ट को कवर करके गए होंगे और जिन्होंने हमारा लाइव सेशन कोर्स हम जो करते हैं वो किया है, तो वो इजिली आउट ऑफ 200 120-130 प्लस मार्क्स थे वो सिक्योर कर सकते थे. तो बहुत ही इजी होता है. बहुत इजी. 130-120 मोर लाइक 60% अबव. मोर इन 60% वो कवर कर सकते. तो 60% अबव स्कोर करना यूजीसी नेट में इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. अगर आपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ा है, एक बार गो थ्रू भी आपने किया है, तो इजीली आप 50-60% तो बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं. तो सर 2 क्वेश्चन मेरे पास अभी आपके लिए है. पहला, आउट ऑफ 10 वेयर 1 मींस वेरी इजी एंड 10 मींस वेरी डिफिकल्ट, आप पेपर 1 और पेपर 2 को किस तरीके से रेट करेंगे और बोल सकते हैं क्योंकि पेपर का पोर्शन इजी था, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन थे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थे. टाइम स्टूडेंट्स का काफी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे वेस्ट हुआ है. स्क्रॉलिंग बार्स में रीडिंग पैसेज था, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट था, उनमें उनको पोर्शन में टाइम काफी कंज्यूम हुआ है. करेक्ट. तो उसको इजी बट टाइम कंज्यूमिंग, जहाँ स्टूडेंट को 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगा, तो इसको हम 7-8 तक रेटिंग कर सकते हैं. और व्हाट अबाउट पेपर 2? पेपर 2 की हम बात करें तो एज कंपेयर टू लास्ट इयर्स पेपर 2 में आई थिंक 70-80 क्वेश्चन स्टूडेंट ने ऐसे बताए कि दे कैन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. राइट. और इसके कारण 80% जो पोर्शन है आपका पेपर 2 वो इजी पार्ट है, इजी पोर्शन है. ओके. और जो 20% जो हमने बताया कि अनएक्सपेक्टेड पार्ट से क्वेश्चन आए थे, तो उसके कारण क्वेश्चन वो इजी प्लस डिफिकल्ट पोर्शन को हम मिलाएं तो हम एवरेज पे जाएंगे. ओके. सो लाइक 6 मार्क्स इसमें 6-8 के बीच में हम रहेंगे, क्योंकि जो पोर्शन हमारा था आपकी बार वो डिफिकल्ट जो था वो स्टूडेंट को एक्सपेक्टेड ही नहीं था. ओके.
तो इसलिए आप 6 to 8 के बीच में भी इसको रखेंगे। तो लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ गई थी, ऐसे लास्ट सेशन की मैं बात करता हूँ, जून में जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पर हमारा JRF की कट ऑफ गई थी 62% और असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ गई थी 53-54% के आसपास। तो इस बार आपके अकॉर्डिंगली कट ऑफ क्या रहेगी, फिर मैं बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहेगी। हाँ देखिए, कट ऑफ क्या होता है इसमें कि हर साल पेपर के बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। पेपर अगर ईजी आया है तो कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज होता है, राइट, और पेपर थोड़ा एवरेज है तो कट ऑफ स्टेबल रह जाती है, राइट, और पेपर इजी डिफिकल्ट है तो कट ऑफ के थोड़े चांसेस होते हैं कि डिक्रीमेंट आएगा, राइट। तो इस पेपर को अगर हम देखें तो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस और स्टूडेंट्स से जो हमें फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग, आपकी बार कट ऑफ है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो सकती है, बट नॉट मोर देन 2-3%, मैक्सिमम 1-2% तक डिक्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि पोर्शन जो था वो डिफिकल्ट, वो अनटचेबल था। और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, सो व्हाट आई फील इज कि जून के पेपर में स्टूडेंट्स हैं वो कम प्रिपरेशन के साथ एग्जाम को देते हैं, प्लस कम स्टूडेंट्स होते हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि दिसंबर का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें स्टूडेंट ने ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम देते हैं, प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिसंबर एग्जामिनेशन में ज्यादा रहते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इस बार जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ इंक्रीज होगी, यानी कि 54-55% के आसपास रहेगी, लेकिन जो आपके JRF की कट ऑफ है वो थोड़ा डिक्रीज होगी। लास्ट सेशन में 62% कट ऑफ थी, लेकिन इस बार जो JRF की कट ऑफ रहेगी आई फील वो 60% के आसपास रहेगी। तो JRF की कट ऑफ में 1-2% का डिक्रीज होगा, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ में 1-2% का इंक्रीज होगा। तो जो एक स्वीट स्पॉट है, अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप 56 से लेकर 60% के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 60% अबव स्कोर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप JRF भी इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप 58 से लेकर 62% के बीच में हैं तो आप कंफ्यूजिंग वाले स्टेट में हैं, आप हो भी सकता है कि आप JRF क्वालिफाई करो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप JRF क्वालिफाई नहीं करो। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंगली क्या कट ऑफ रहेगी, राइट? यस। ओके, सो ओवरऑल दिस वाज अ कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग द पेपर 2 एंड पेपर 1, द कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। व्हाट इज योर एनालिसिस, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके एनालिसिस क्या थी और ओवरऑल पेपर के में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इफ यू वांट टू टेक आवर कोर्सेज, प्लीज कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।